दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप क्रिकेट शॉर्ट्स ऐसे वाले क्रिकेट शॉर्ट्स अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये है कुछ और एग्जांपल्स शॉर्ट्स की, ये हैं कुछ और ये फनी शॉर्ट्स हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये भी हैं, ये देखिए, और ये देखिए, ये चैनल बिल्कुल यही शॉर्ट्स बनाते हैं, और ये देखिए इनके कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगी आप कैसे ऐसे ही शर्ट्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो हम देखते हैं ये चैनल कितने पैसे कमाते हैं। तो हम चले जाएंगे सोशल ब्लेड पर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो अभी यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ, ये देखिए $41,000, 2000 से लेकर $41,000 कमाते पर मंथ, ये बहुत हैं। ये देखिए, ये इनकी पर डे की अर्निंग $2000 कम से कम, ये देखिए। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं ChatGPT पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैनल बनाएंगे तो चैनल के लिए हमें नाम की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पर नाम सर्च करते हैं। तो हम ChatGPT को कहते हैं गिव मी क्रिकेट नेम्स, क्रिकेट चैनल नेम्स आइडियाज़। तो मुझे ये वाला क्रिक जोन ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे ये सही लगा है, तो मैं ये कॉपी कर लूँगी। तो ये देखिए, तो ये क्रिक जोन हमने कॉपी कर ली, यहाँ पर लिखेंगे राइट डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब चैनल, हियर्स द चैनल एंड हियर्स द चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल का नाम पेस्ट कर देना है, हम करेंगे इसे थोड़ी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे चैनल का नाम, उसका सेंड कर देंगे इसे। तो ये देखें, ये देखें, ये हो गया, ये देखिए कितने अच्छे से ChatGPT ने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है चैनल का। तो इसको हम कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें अभी बैनर कोड्स चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट अट्रैक्टिव बैनर कोड्स, तो ये लिखेंगे। उसके बाद ChatGPT हमें अट्रैक्टिव बैनर कोड्स देंगे, बट इनमें से कोई भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा अट्रैक्टिव, जो कि व्यूवर्स को अट्रैक्ट करे सब्सक्राइब करने के लिए। तो इनमें से मुझे कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो मैंने बोला गिव मी मोर। तो ये भी इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने इसे भी छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे ही हमने नेम और डिस्क्रिप्शन डिसाइड कर लिए, उसके बाद हम चले जाते हैं कैनवा पर। कैनवा पर जाने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है लोगो, यहाँ पर आप लोगो सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाली टेम्पलेट पर, और ये हमारे लोगो की ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट हो गई है। तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए प्लस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए हम सर्च करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी टेम्पलेट्स हैं लोगों की, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उसके क्रिकेट के मुताबिक जो वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ उसके मुताबिक चाहती हूँ। तो ये देखिए ये कितना सही बिल्कुल सेम मैच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे क्रिकेट जोन, क्रिकेट जोन, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे टीवी। तो टीवी इतना सही नहीं लग रहा है, उसके बाद टीवी स्टूडियो भी लिख देंगे, स्टूडियो टीवी स्टूडियो भी लिख देंगे हम यहाँ पर, ये देखिए ये सही लग रहा है। तो उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाए तो इसे डाउनलोड कर लें। तो हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं गूगल पर, यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब बैनर साइज, तो ये आपको बैनर साइज देके अपने जहन में रख लेना है ये बैनर साइज। उसके बाद हम आ जाते हैं कैनवा पर, कैनवा पर आएंगे, कैनवा पर आने के बाद हमें कर देना प्लस के आइकन पर क्लिक, यहाँ पर कस्टमाइज साइज पर, कस्टम साइज पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर साइज ऐड कर देना है वही साइज। तो उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारी ब्लैंक टेम्पलेट आ गई है, यहाँ पर ब्लैक कलर करना है सिमिलर टू लोगो थीम, जो लोगों की थीम थी वैसे ही यहाँ पर हम बैनर की भी थीम बनाएंगे।
उसी थीम से हम बैनर बनाएंगे, जैसे ऑरेंज और ब्लैक थी तो हम ऑरेंज और ब्लैक ही रखेंगे थीम। तो यहाँ पर बहुत सारी ये देखिए टेम्पलेट्स, आप कोई भी कर सकते हैं बैनर के लिए, पर मैं खुद से बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। आप चाहें तो टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और इसे एडजस्ट कर दिया दरमियान में। उसके बाद इस पर ये कलर कर देना है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देना है, टेक्स्ट ऐड करना है, ये इसे सिलेक्ट कर दें, आपको सिलेक्ट कर दें पूरा, इसे पूरा सिलेक्ट ऑन करें, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ पर बी भी लिखें, तो उसके बाद पेस्ट कर दें, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर लिखें सब्सक्राइब टू क्लिक ऑन, ओके। यहाँ पर इसे सेंटर में ले आए, ये देखिए ये हो गया हमारा तैयार बैनर। उसके बाद इसे हमें डाउनलोड कर लेना है, ये देखिए हमारा बैनर भी डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्लेमर फॉर यूट्यूब, सर्च करते ही गूगल पर ये गूगल सपोर्ट आएगा, आपको ये वाला कॉपी कर लेना है गूगल सपोर्ट की वेबसाइट पर आकर, ये कॉपी कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर कैनवा पर आएंगे, यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल वाली टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है और हमें कर देना है इसे ब्लैक, इसे ब्लैक कर देंगे हम। प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड करेंगे डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, ये देखिए इसे रेड कर देंगे हम और इसे वाइट करेंगे हम और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे, ये देखिए। इससे या आपकी वीडियो के लिए या आप जब वीडियो वगैरह कोई क्रिकेट की बनाएंगे इस पर, तो आप ये ऐड कर सकते हैं डिस्क्लेमर शुरू में, या आप शॉर्ट्स में भी ऐड कर सकते हैं शुरू में थोड़ा सा। तो इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम, ओके। ये हमारा डिस्क्लेमर रेडी हो गया है, हम इसे ये देखें पहले देखेंगे सही, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें और आपके डिस्क्लेमर डाउनलोड हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाले शर्ट से हमें ऐसे ही शर्ट्स बनाने हैं, ये देखें ये कितने सही है। तो उसके बाद ये देखें, ओके, आप ये देख सकते हैं तो हमें ऐसे ही शर्ट्स बनाने हैं, शॉर्ट वीडियोस। तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर, यहाँ पर लिख देते हैं राइट अबाउट थ्री रिचेस्ट क्रिकेट, राइट शॉर्ट अबाउट टॉप थ्री रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो ये इन्होंने लिख दिया सचिन तेंदुलकर वीडियो स्क्रिप्ट, तो ये लिख रहे हैं इसलिए फर्स्ट ऑफ वी हैव विराट कोहली। तो ये देखें सचिन तेंदुलकर सेकंड और थर्ड है स्टीव स्मिथ जो कि रिचेस्ट हैं। उसके बाद ये देखें जैसे ये हो जाए ये बहुत ही आराम से लिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो जैसे ये हो गए इसे कॉपी करके यहाँ पर नोट पैड में पेस्ट कर देना है और आपको ये सही कर देना है, ये देखिए ये फालतू वगैरह हटा देनी है, ये फालतू सीन वगैरह वो आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे आपको शॉट को एडिट करना है। तो उसके बाद ये सारी हटाने के बाद आपको आ जाना है यूट्यूब पर और ये देखें आपको यहाँ पर आकर यहाँ से इनकी कोई लाइफ की डेली लाइफ की वीडियोस डाउनलोड कर लेनी है क्रिकेट वगैरह की। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रिकेटर लिखते हैं, क्रिकेट लिखते हैं और यहाँ से इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं एडिटिंग के लिए, ये देखिए ये डाउनलोड कर लेंगे इमेजेस, ये भी डाउनलोड करेंगे और ये भी डाउनलोड कर लेंगे, ये भी डाउनलोड करेंगे और ये नहीं ये डाउनलोड कर लेते हैं और
और भी बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। विराट कोहली लिखना है तो हमें हमारा फर्स्ट विराट कोहली, तो इसे इसकी इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद हमें ये स्क्रिप्ट कॉपी करके पेस्ट कर देनी है यहाँ पर play.ht पर, जो आपको लाइक AI वॉइस जनरेटर है जो जो आपकी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर देगा। तो आपको साइन अप कर लेना है इसमें। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा लाइक टाइम लेगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी पिछली है तो इसे हटा कर इसे हटा देना है आपने। ओके, और ये हमारी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है, ये हो गई है। उसके बाद हमें इसको प्ले पर क्लिक कर देना है ताकि ये वॉइस जनरेट हो जाए। जैसे ही वन वॉइस जनरेट हो जाए, सेकंड पर प्ले पर क्लिक कर दें ताकि जनरेट हो जाए। जब सेकंड हो जाए तो थर्ड पर, ये देखें, प्ले पर क्लिक करें ताकि वॉइस जनरेट हो जाए बारी बारी। तो जैसे ही सारी जनरेट हो गई, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है आपको। ये भी सही है, ये भी जनरेट हो गई, ये जनरेट आपको। ओके, सारी हो गई हैं तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। एक्सपोर्ट पे करने के बाद आपको यहाँ पर आकर थोड़ी ये एडिट करना है। ये एडिट कर लेंगे हम। ओके, ये देखें, आपको ऐसे एडिट कर लेना है और आपको एनिमेशन भी लगा देनी है फर्स्ट एंड लास्ट। ये देखें, ओके, इसे थोड़ा एडिट करेंगे। ये देखें, इसको एनिमेशन इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन भी लगानी है। ये देखें, ये बिल्कुल सेम है। ओके, उसके बाद जैसे ये सही हो जाए, इसके ऊपर लाइक एनिमेशन लगा लें सारी। यहाँ पर भी लगाएं, यहाँ पर भी हमने एनिमेशन लगा देनी है सही से। और उसके बाद यहाँ पर भी लगा देंगे, ये लास्ट वन है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वॉइस, तो यहाँ पर वॉइस ऐड कर देनी है हमें। ओके, ये सही है, वॉइस हमने जैसे ही ऐड की जो फालतू थी वो डिलीट कर दिए। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दी। Often referred to as the gentleman's game. Is steeped in tradition and history. Amidst its rich tapestry of matches and moments, there are those rare occasions that stand out as truly extraordinary. These are the moments that transcend the boundaries of the sport, captivating the hearts and minds of fans worldwide. So, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।